फाइव स्टार विद शोमा एंड आई एम शोमा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कफ्स एंड लैशेज हॉल। कफ्स एंड लैशेज एक ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इनके ओनर का नाम है निधि कटियार, उनका भी एक यूट्यूब का चैनल है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप चेक कर लेना। एंड गाइज, मैंने वहाँ से काफ़ी सारी शॉपिंग की है मेकअप की, एज यू कैन सी। सो ज़्यादा बात न करते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर कर लेना, ताकि आप ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देख पाओ। एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप नोटिफाइड हो। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डू चेकआउट गाइज। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सबसे पहली चीज़ जो मैंने खरीदी है वो है SFR का आई एंड चीक कलेक्शन वाला पैलेट। इसकी आउटर पैकेजिंग बहुत ज़्यादा स्टर्डी है गाइस, एंड मेरा शेड है 02। अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है, टिन काइंड ऑफ मटेरियल है, काफ़ी स्टर्डी पैकेजिंग है, इसको खोलने में भी काफ़ी एफर्ट देना पड़ता है। सो दिस इज़ द पैलेट। ये पता नहीं क्या दिया हुआ है, मिरर तो नहीं है, पता नहीं क्या है। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे 4 आई शेडोज है, 2 आईब्रो पाउडर्स है, 1 ब्लश है, 1 ब्रॉन्जर एंड 1 हाइलाइटर है। सो आई शेडोज सारे शिमरी है, ये आईब्रो पाउडर, ब्लश और ब्रॉन्जर जो है वो मैट है, एंड हाइलाइटर जो है वो एक शैम्पेन काइंड ऑफ कलर है, तो हर एक स्किन टोन को सूट करेगा। अब मैं आपको इसके स्वॉचेस दिखाऊंगी। ओके, काफ़ी बटरी सॉफ्ट है, आई हैव टू से इट। सो गाइज, दीज आर दी स्वॉचेस। ये 4 आई शेडोज हैं, ये 2 आईब्रो पाउडर है, ये ब्लश है, ब्रॉन्जर है एंड हाइलाइटर है। सो आप देख सकते हो काफ़ी पिगमेंटेड पैलेट है। मैं इसको यूज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो इसके बाद मैंने लिया है SFR कलर्स का प्रो कलर स्टूडियो आई शेडो पैलेट इन द शेड 02। ये बहुत ही कलरफुल पैलेट है, ये मैं काफ़ी दिनों से लेना चाहती थी, लोकल मार्केट में ये मुझे नहीं मिला। बहुत सारे कलर्स हैं इसमें गाइस, एंड सारे कलर्स हेल पिगमेंटेड है। मैं आपको कुछ शेड्स दिखाती हूँ। कैन यू सी गाइस, दीज आर दी स्वॉचेस। आप देख सकते हो, मतलब ये हेल पिगमेंटेड है। सॉरी गाइस, मैंने किसी भी चीज़ का प्राइस नहीं बताया। तो ये वाला जो पैलेट था, इसका प्राइस है 250 रुपीज़, एंड ये जो SFR का पैलेट है, इसका प्राइस है 280 रुपीज़। तो सारी चीज़ें काफ़ी अफोर्डेबल है। इसके बाद मैंने वहाँ से लिया है ये एक आईब्रो ब्रश। ये 2-साइडेड ब्रश है, एक तरफ स्पूली दिया हुआ है एंड एक तरफ एक एंगुलर ब्रश है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज है, एज यू कैन सी। मेरे पास कुछ ठीक ठाक आईब्रो ब्रश नहीं था, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। इसके बाद अगेन मैंने प्राइसेस नहीं बताया, इसका प्राइस है, ओके, इसका प्राइस है 99 रुपीज़। सो इसके बाद मैंने लिया है मेकअप एंड मोर का कॉम्पैक्ट पाउडर, एंड इसका शेड है 02। ये शायद 3 शेड में अवेलेबल है। इसका प्राइस सिर्फ 99 रुपीज़ है, इसलिए मैंने इसे लिया, क्योंकि मैं एक अंडर 100 रुपीज़ चैलेंज करने वाली हूँ। सो एज यू कैन सी, इसकी पैकेजिंग बहुत क्लासी है, बहुत क्लासी है, एंड काफ़ी लग्जूरियस भी फील हो रहा है। सो अंदर से ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये कॉम्पैक्ट है, एंड यहाँ पे एक पफ दिया हुआ है, काफ़ी सॉफ्ट है पफ, एंड यहाँ पे एक बहुत गुड क्वालिटी का बड़ा सा मिरर दिया हुआ है, तो इसको आप इजीली मेकअप करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ह्यूज है एंड कॉम्पैक्ट, काफ़ी सॉफ्ट है, मगर इसका शेड मेरी स्किन टोन से बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ही पिगमेंटेड है, एज यू कैन सी। सो इसके बाद मैंने एक एडीएस का फेस पैलेट लिया है, ये है द बाम स्टोरी बहामा मामा 3-in-1 कलेक्शन। इसका प्राइस है 190 रुपीज़। ये भी मैं काफ़ी दिनों से लेना चाहती थी, लोकल मार्केट में ये अभी अवेलेबल नहीं था। इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा स्टर्डी है गाइस, बहुत क्लासी है, बहुत गुड क्वालिटी का है, एंड अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा एक प्लास्टिक शीट दिया हुआ है।
मिरर काफ़ी गुड क्वालिटी का दिया हुआ है। यहाँ पे एक हाइलाइटर है, एक ब्रॉन्जर है एंड एक कॉन्टोर है। एंड लुक एट द स्वॉचेस, ये हाइलाइटर है, ये ब्रॉन्जर एंड ये कॉन्टोर है। तीनों शेड बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। तो इसके बाद मैंने SFR का एक हाइलाइटर लिया है उनके डी क्लचर वाले सेक्शन से। तो अभी उनके साइड पे एक डी क्लचर वाला अलग सा एक सेक्शन है जहाँ पे जो प्रोडक्ट्स थोड़े बहुत ब्रोकन है या फिर थोड़ा सा डिसरप्ट है वो सारे प्रोडक्ट्स वो काफ़ी ज़्यादा चीप प्राइसेस में दे रहे थे। वैसे मैंने जितने भी वीडियोज़ में ये हाइलाइटर देखा है सभी ने बोला है कि ये टूटा हुआ ही आता है, तो मैंने सोचा क्यों ना टूटा हुआ ही ले लूँ। तो ये मुझे जस्ट 50 रुपीज़ का पड़ा है। दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। की पैकेजिंग मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी गाइस, आप देख सकते हो कितना इजी है। तो जाहिर सी बात है कि ये ज़रूर टूट जाएगा शिपिंग में। मैं उसको ठीक से नहीं दिखा सकती आपको वरना ये गिर जाएगा। ओके आई होप यू कैन सी। ओके ये गिर रहा है, सॉरी गाइस मैं इसको नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं इसका स्वच दिखाऊंगी आपको। ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है। सो दिस इज़ द स्वच ऑफ द हाइलाइटर, एज यू कैन सी ये बहुत पिगमेंटेड है। मैं इसको फिक्स कर लूँगी गाइस एंड मैं एक वीडियो शेयर करूँगी कैसे आप अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को फिक्स कर सकते हो। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो इसके बाद मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई लाइनर एंड इसका प्राइस है 149 रुपीज़। इसकी पैकेजिंग बहुत इंप्रेसिव है, आप देख सकते हो हाई एंड से कम नहीं है इसकी पैकेजिंग। एंड इसका फेल टिप जो है वो बहुत अच्छा है, मुझे ऐसे फेल टिप ज़्यादा पसंद होते हैं, ये स्टर्डी टाइप काइंड ऑफ है। सो एज यू कैन सी इसका फेल टिप काफ़ी थिन है तो आप प्रिसाइज लाइनर ड्रॉ कर सकते हो। एंड ये जेट ब्लैक है गाइस, आप देख सकते हो कितना प्रिसाइसली ये ड्रॉ हुआ है। सो इसके बाद मैंने लिया है मी नाउ जनरेशन टू लव मी हाई इम्पैक्ट मस्कारा, काफ़ी लंबा नाम है। इसका प्राइस है जस्ट 120 रुपीज़। मैंने इसके बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सुनी है तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई कर लूँ। 120 रुपीज़ में अगर आपको अच्छा मस्कारा मिल रहा है तो देट विल बी अ स्टील डील। तो इसका जो वॉन्ट है वो रेगुलर काइंड ऑफ है, कुछ स्पेशल तो नहीं है। अप्लाई करने के वक्त पता चलेगा कि ये कितना अच्छा है एंड कितना हाई इम्पैक्ट देगा। सो इसके बाद मैंने लिया है हैंग फैंग का किस कलेक्टर लिपस्टिक इन द शेड 118। आई होप यू कैन सी। सो साइड पे ये कलर काफ़ी डिफरेंट दिखा रहा था गाइस, आप देख सकते हो इसके आउटर पैकेजिंग पे काफ़ी डिफरेंट कलर है लेकिन अंदर से ये कुछ और कलर है। सो पैकेजिंग पे ये ऑरेंज टाइप कलर दिखा रहा है लेकिन अंदर से ये पिंक टाइप कलर है एंड इसके पिगमेंटेशन भी कुछ खास अच्छी नहीं है। ये जस्ट 100 रुपीज़ का है। सो इसे सिर्फ आप एज अ लिप टिंट काइंड ऑफ यूज़ कर सकते हो, आप देख सकते हो मैंने 3 टाइम्स वॉच किया फिर भी इतना ही पिगमेंटेशन आया है। सो इसे आप एज अ लिप टिंट ही यूज़ कर सकते हो। ओके इसके बाद मैंने लिया है ओलिविया का लिक्विड फाउंडेशन इन द शेड नेचुरल ग्लो। ये भी मैं बहुत दिनों से लेना चाहती थी लोकल मार्केट पे, ये आउट ऑफ स्टॉक है गाइस इसलिए मैंने वहाँ पे देखा तो ले लिया। ये जस्ट 100 रुपीज़ का है। मैंने सुना है कि ये बहुत फुल कवरेज है, बहुत अच्छा फिनिश देता है तो मैं इसको यूज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो इसके बाद मैंने लिया है किस ब्यूटी का लुक बाय बीपा कलेक्शन का एक लिपस्टिक। इसकी पैकेजिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अट्रैक्टिव है एंड मेरा शेड है 10 और इसका प्राइस है 120 रुपीज़। इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है गाइस, बिल्कुल मैट फिनिश है, आप देख सकते हो ये वाला शेड है काफ़ी पिगमेंटेड है। सो गाइस कब से लैशेस पे एक ऑफर चल रही है कि आप SFR का कुछ अमाउंट का अगर प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको ADS बाम स्टोरी का एक न्यू ट्यूट वाला पैलेट फ्री मिलेगा। तो मैंने SFR की काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी थी इसलिए मुझे ये न्यू ट्यूट वाला पैलेट फ्री मिला है। कुछ भी अगर फ्री मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। इसकी पैकेजिंग बहुत स्टर्डी है गाइस, बहुत अच्छी है एंड इसका प्राइस है 280 रुपीज़। अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है, अगेन एक प्लास्टिक शीट है
जैसा कि इसका नाम है, ये एक न्यूट पैलेट है एंड इसके शेड्स काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है गाइस। इसमें से सिर्फ दो शेड है मैट, एक ब्राउन है एंड एक ब्लैक है, एंड लुक एट द पिगमेंटेशन। सो ये रहा दोनों मैट शेड के स्वाचेस, ये चारों शिमरी शेड है। सो इसके बाद मैंने लिया है SFR कलर्स का नॉन ग्रीसी सुपर सिल्की कवरेज कंसीलर इन द शेड 04। ये जस्ट 99 रुपीज़ का है एंड आपको इतना प्रोडक्ट मिल रहा है। ये येलो अंडरटोन है तो काफ़ी अच्छी बात है। ओके, ये बहुत ज़्यादा क्रीमी भी नहीं है एंड बहुत हार्श भी नहीं है, तो कंसिस्टेंसी इसकी काफ़ी अच्छी है। लेकिन इसकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी गाइस, इसका स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आपको स्मेल से प्रॉब्लम है ये कंसीलर आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो लास्ट मैंने लिया है स्विस ब्यूटी लिप क्रीम के 3 शेड्स, ये 189 रुपीज़ ईच है। सो गाइस, सारे लिपस्टिक के स्वाचेस मैं वीडियो के एंड पे शेयर करूंगी, तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सो आज की हॉल मेरी यहीं पे ख़त्म होती है। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू वॉन्ट टू से मी एनीथिंग।